डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको 5.3 एक्सरसाइज करवाऊंगा। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर हम तीन मेथड हैं, थ्री मेथड्स हैं, जिनसे हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उन तीनों मेथडों में से जैसे मैंने आपको फर्स्ट मेथड तो करवा भी रखा है कि डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, जिसको हम डायरेक्ट मेथड से मैंने आपको करवा भी रखा है। मैंने आपको ये आइडेंटिटी बता भी रखी है कि अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, 1 + y′ 3/2 / y′ ठीक है। ये तो है आपका डायरेक्ट मेथड, इसे हमने जो है पिछले क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसी के ऊपर जो है हमें न्यूटन मेथड लगाना है, या फिर हमें इसका जो एक्सपेंशन वाला मेथड है वो लगाना है, जिसमें हम मैकलेरियन एक्सपेंशन का मेथड लगाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास अगर मैकलेरियन एक्सपेंशन अगर हम मैकलेरियन एक्सपेंशन का मेथड लगाते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जैसे हम जो इसकी एक्सप्रेशन लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं, y = या फिर f(x) बोल सकते हो आप, f′ f(0) ठीक है, प्लस f(x) (f′x) = 0 प्लस x²/2 f" = 0, ऐसे ही x³/3 f" = 0, ऐसे हमारे पास ये चलती रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आज हम करेंगे, अगर ओरिजिन में से पास हो रहे हैं, यानी कि अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है एट द ओरिजिन से, तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर ओरिजिन से फाइंड कर रहे हैं हम, तो ओरिजिन से फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगर मैं इनके अंदर देखो, पहले तो मैं इसके अंदर मैं मान लेता हूँ, लेट मान के चले क्या, कि अगर हमारे पास ओरिजिन में से पास हो रहा है और f′x f′0 को तो मैं p मान लेता हूँ, ठीक है, f′0 को q मान लेते हैं, ऐसे ही f′0 को हम r मान लेते हैं, ऐसे ही मान के चलेंगे जहां तक हमारी एक्सप्रेशन जो है ओपन होगी। अब देखो, इसमें से अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये अगर हम ओरिजिन पे लेके चले हैं तो f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, f0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, इसको मैं p मान के चला हूँ तो px हो जाएगा, ठीक है, प्लस अगर इसको मैं q मान के चला हूँ तो ये हमारे पास x²/2 और ये q आ जाएगा, प्लस इसको मैं r मान के चला हूँ तो x³/3 और ये r हो जाएगा हमारे पास, ऐसे ये एक्सपेंशन जो है चलती रहेगी। अब देखो, अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर देता हूँ, y1 अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो p आ जाएगा, प्लस 2x/2 को हम 2 ही लिख सकते हैं और q हमारे पास h रहेगा, प्लस 3x²/2 इसको मैं 3×2×1 लिख सकता हूँ और r हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अगर ओरिजिन में से निकालेंगे तो ओरिजिन से कैसे निकालेंगे, तो इसमें x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास x है तो x है, इसके अंदर भी x है तो ये पूरी 0 हो जाएगी, यानी कि आगे की टर्म जो है वो सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो y1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, p मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं डबल डेरिवेटिव कर देता हूँ इसका, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये यहाँ से क्यू आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 factorial है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 power आगे x²/1 रह जाएगी, r हमारे पास एच डी, और 2 factorial को हम 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही आगे चलती रहेगी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो y² हमारे पास आ जाएगा, क्यू प्लस xr प्लस, ऐसे ही एक्सपेंशन जो है आगे चलती रहेगी। अब ओरिजिन में से पास हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को 0 लेके चलेंगे तो y² जो है वो हमारे पास q मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो डायरेक्ट मेथड आप लोगों ने कर रखा है तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो कैसे आएगी, 1 + y1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, p, तो y1 की वैल्यू आई है p²/3/2 / y² की वैल्यू क्या आई है, क्यों, तो हम यहाँ पे q लिख देंगे। तो ये तो है आपका, अगर आपके पास एक्सपेंशन दे रखी है
या फिर आप एक्सपेंशन से कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम उसको जो है इस के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। अब देखो अगर हमारे पास न्यूटन मेथड से सोल्व करना है, ये तो थी अगर एक्सपेंशन से सोल्व करना है, अगर न्यूटन मेथड से सोल्व करना है तो न्यूटन मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो न्यूटन देखो न्यूटन मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर हमारे पास न्यूटन मेथड को सोल्व करने के लिए भी हमारे पास दो स्टेप्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, न्यूटन मेथड से अगर मैं न्यूटन मेथड से कोई भी क्वेश्चन करता हूँ तो उसके टू स्टेप्स क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप है अगर इफ हम जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस, यानी कि इफ एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट, यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस को जो है टेंजेंट लेके चले हैं और उसका जो कर्व है टू द कर्व क्या आ जाएगा हमारा, यानी ओरिजिन से होगा टू, ठीक है, एट ओरिजिन। देखो अगर हम एक्स एक्सिस जो टेंजेंट है कर्व की जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के लेके चले हैं ओरिजिन से, तो हम क्या करेंगे राह की वैल्यू निकालने के लिए तो लिमिट लेके चलेंगे, एक्स की वैल्यू भी जीरो लेके चलेंगे और वाई की वैल्यू भी जीरो लेके चलेंगे, एक्स की वैल्यू भी जीरो पुट करेंगे और वाई की वैल्यू भी जीरो पुट कर देंगे। फिर हमारे पास जब एक्स और वाई की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद हमारे पास जो आएगी वो फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर हमें उसको कन्वर्ट करना है, यानी कि जो भी आपके पास क्वेश्चन दे रखा है उसको हम इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे और एक्स और वाई बाकी जो स्टेटमेंट है उनकी जगह पर हम जो है जीरो पुट कर देंगे, और अगर ऐसी एक्सपेंशन आती है या इस फॉर्म में आता है तो हम उसको रा लिख सकते हैं, ठीक है, पता चल गया। यदि हमारे पास इफ सेकेंड स्टेप क्या है, इफ वाई एक्सिस इज टेंजेंट टू द कराओ एट ओरिजिन, ठीक है, अगर हमारे पास जो कराओ है टेंजेंट का वो वाई एक्सिस भी है तो हम रा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, तो इसके अंदर भी हम वही एक्स अप्रोच टू जीरो वाई अप्रोच टू जीरो लेके चलेंगे, लेकिन जो इसकी फॉर्म होगी वो फॉर्म क्या लेके चलेंगे वाई स्क्वायर बाई टू एक्स लेके चलेंगे, ठीक है, यानी कि इसको तो हम राशि डिनोट कर देंगे, बाकी जो होगी हमारे पास स्टेटमेंट उसके अंदर एक्स और वाई की जगह पर हम जो है जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स थे, तो मैं इनसे जो है आपके क्वेश्चन पहले मैं इन दोनों के ऊपर न्यूटन मेथड से ही आपको बता देता हूँ कि न्यूटन मेथड से अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं आपका क्वेश्चन लेके चलता हूँ, तो उस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है, फिर मैं जो है इस मेथड से भी आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास एक्सपेंशन से सोल्व करना है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो इसके फोर पार्ट दे रखे हैं तो मैं आपको इसके अंदर वही भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये दे रखा है x की पावर 3 माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई की पावर 3 प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स वाई प्लस 7 वाई स्क्वायर और माइनस का 8 वाई इजिकल टू जीरो, ये दे रखा है, ठीक है। और फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग कर्व, ये कर्व जो दे रखा है इसका हमें वही रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो देखो न्यूटन मेथड से ही फाइंड करेंगे, न्यूटन मेथड में हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास इस एक्सपेंस जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये कर्व जो दे रखा है, इस कर्व में से हम क्या करेंगे सबसे लोएस्ट डिग्री की पावर देख लें कितनी है, ठीक है, यानी कि सबसे कम पावर, जैसे हमारे पास यहाँ पे सबसे कम पावर है वाई की पावर 1, ठीक है, तो वाई की पावर 1 है तो मैं इसको क्या करूंगा, हम टेंजेंट लेके चलेंगे वो एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे, यानी कि इसको मैं जीरो के इक्वल, सबसे लोएस्ट डिग्री की जो टर्म है उसको हम जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, यहां से क्या मिल जाएगा हमें वाई इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के मैंने आपको बताया था दो स्टेप्स थे, तो फर्स्ट स्टेप जो था कि एक्स एक्सिस से टेंजेंट लेके चलेंगे, तो टेंजेंट अब क्या करेंगे, अब हमें इसके अंदर फॉर्म बनानी है, अगर वाई की वैल्यू देखो आप डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास y की वैल्यू जीरो होती है तो हमें ये फॉर्म बना के चलनी है, y की वैल्यू जीरो होगी तो हमें ये फॉर्म बना के चलेगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू वाई, ठीक है, या फिर x की वैल्यू जीरो होगी तो हमें फिर
वाई स्क्वायर बाई टू एक्स, तो ये फॉर्म बना के चलनी है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो क्या करना है, अब हमारे पास ये y की वैल्यू जीरो है, तो मैं इसके अंदर ये फॉर्म बना के चलेंगे। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है इसको मैं 2y से डिनोट 2y से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों साइड अगर मैं 2y से डिवाइड करूंगा तो x की पावर 3 डिवाइड बाई 2y माइनस 2x स्क्वायर y डिवाइड बाई 2y माइनस 3xy स्क्वायर बाई 2y माइनस 4y की पावर 3 डिवाइड बाई 2y प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 2y माइनस 6xy डिवाइड बाई 2y माइनस 7y की पावर 2 डिवाइड बाई 2y प्लस माइनस 8y डिवाइड बाई 2y इक्वल टू 0, ठीक है। 2y से तो इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद देखो, मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर बाई 2y की फॉर्म में लेके आना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर डिवाइड बाई 2y इंटू एक्स माइनस 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर बच जाएगा माइनस यहाँ भी y की वन पावर जो कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा 3x बाई 2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y की वन पावर कैंसिल हो जाएगी तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। प्लस अगर मैं इसको लिख सकता हूँ तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2y क्योंकि इस फॉर्म के अंदर लेके आना हमें माइनस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3y से y कैंसिल हो जाएगा तो 3x माइनस ये आ जाएगा y की वन पावर कैंसिल करेंगे तो 7y डिवाइड बाई 2 माइनस अब 4 और ये y कैंसिल हो जाएगा तो 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको तो हम राशि डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम राशि डिनोट कर लेंगे। तो हमारे पास बाकी जो स्टेटमेंट बची उसके अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू भी जीरो लेके चलेंगे, y की वैल्यू भी जीरो लेके चलेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू जीरो लेके चलेंगे तो ये क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी पूरी टर्म, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये हमारे पास 5, इसको हम राशि डिनोट कर देंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 को मैं साइड लेके जाऊंगा तो 5p इज इक्वल टू 4 बाई 5 को भी साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा तो रा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है, पता चल गया। सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी स्टेटमेंट दे रखी हो पहले उसकी जो है लोएस्ट डिग्री की टर्म देखेंगे क्या है, लोएस्ट डिग्री की टर्म हमें पता चल गई कि भाई लोएस्ट डिग्री की टर्म अगर वाई है तो हम ये फॉर्म बना के चलेंगे, लोएस्ट डिग्री की टर्म अगर हमारे पास एक्स है तो हम ये फॉर्म बना के चलेंगे, ठीक है। फिर मैं इसको अगर x इक्वल टू 0 आ जाता या लोएस्ट डिग्री की टर्म हमारे पास x होती तो मैं इसको पूरी इक्वेशन को जो है 2x से डिवाइड कर देता। अब हमारे पास y में है तो इसको 2y से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास इस फॉर्म के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं अगर मैं उनको इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ तो उनकी जगह पर मैं रा को पुट कर देता हूँ और बाकी x और y की जगह पर सभी जगह पर 0 पुट कर देंगे, ठीक है। 0 पुट करने के बाद p की वैल्यू हमारे पास या रा की वैल्यू फिर हमारे पास रेंज ऑफ कर्वेचर हमें मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं इसके ऊपर, जैसे आपको दे रखा है इसी पार्ट का मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको कि अगर हमारे पास दे रखा हो x की पावर, देखो अब की बार मैं लेके चलता हूं कि अगर x की लोएस्ट डिग्री दे रखी है यानी कि जो x में है, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन है ये ले लेता हूं मैं 2x की पावर 4 माइनस 3y की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर y प्लस xy माइनस y की पावर 2 प्लस 2x इक्वल टू 0। अब की बार देखो इसके अंदर जो है लोएस्ट डिग्री की टर्म क्या है हमारे पास 2x है, ठीक है। अब 2x है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको जो है y स्क्वायर बाय 2x की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो y स्क्वायर बाय 2x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यानी कि अगर मैं इसके लिमिट लगा देता हूं तो लिमिट x अप्रोच टू 0 y अप्रोच टू 0 तो ये रा की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं इसको देखो 2x से डिवाइड करना पड़ेगा आपकी बात पूरी इक्वेशन को, तो पूरी इक्वेशन को 2x से डिवाइड करेंगे तो 2x की पावर 4 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y की पावर 4 डिवाइड बाई 2x प्लस 4x स्क्वायर y डिवाइड बाई 2x और प्लस xy डिवाइड बाई 2x और प्लस माइनस y स्क्वायर बाई 2x और प्लस का 2x डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा हमारे पास।
अब देखो मैं इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं इसको, 2 से 2 कैंसिल, यहां से 3 पावर बच जाएगी, यानी कि x की पावर 3 प्लस सॉरी माइनस 3 hd, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y स्क्वायर इनटू y स्क्वायर बाय 2x, क्योंकि हमें इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था इसको, प्लस 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 2x की 1 पावर कैंसिल, तो x और y, प्लस यहां x से x कैंसिल हो जाएगा तो y / 2 बच जाएगा हमारे पास, माइनस इसको हम hd रखेंगे क्योंकि ये इस फॉर्म के अंदर पहले से ही कन्वर्ट है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 1 = 0 ये आ जाएगा। अब जहां भी हमें y square by 2x है, अगर मैं पूरे के ऊपर लिमिट लगाऊंगा तो जहां भी हमें y square by 2x मिल रहा है तो उसकी जगह पर हम रैप कर देंगे, ठीक है, तो और बाकी जगह पर क्या करेंगे, x और y की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 0, ठीक है, तो यहां भी 0, अगर मैं y की वैल्यू यहां 0 पुट करूंगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये माइनस की रैप, इसको हम रा से डिनोट करेंगे, प्लस 1 = 0, अगर मैं 1 को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का जाएगा, तो रा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, पता चल गया कैसे सोल्व करना है। ये तो था आपके पास अगर न्यूटन मेथड से आपको सोल्व करना हो, ठीक है, न्यूटन मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे। अब है सेकंड, अगर हमारे पास एक्सपेंशन से शो करना हो, यानी कि न्यूटन मेथड अगर हम यूज नहीं करते तो ये हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर अगर न्यूटन मेथड लगाना है तो उसकी पहचान क्या मिलेगी, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, अगर x या फिर y की, x या फिर y की जो है जो लोएस्ट डिग्री की टर्म होगी वो एक ही मिलेगी, या तो x में मिलेगी या y में मिलेगी, ठीक है, अगर दोनों के अंदर है तो फिर हम जो है इस आइडेंटिटी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, पता चल गया। तो मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं, ऐसा एग्जांपल जिसमें हम x और y दोनों की जो है लोएस्ट डिग्री की टर्म हो, तो ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे आपको दे रखा है सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, ठीक है, तो ये दे रखा है आपको y माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो x और y की लोएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास x में भी है और y में भी है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, अगर हमारे पास x और y के अंदर उनकी लोएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास x और y दोनों के अंदर है, तो मैंने आपको बताया था कि पिछला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर अगर x में होती या फिर y में, अकेली x में या अकेली y में होती तो हम क्या कर देते, उसमें न्यूटन मेथड को अप्लाई कर देते, लेकिन अब की बार क्या है x और y दोनों के अंदर जो है उसकी जो है लोएस्ट डिग्री की टर्म है, ठीक है, दोनों के अंदर है, तो अब की बात क्या करेंगे, मैं इसको उस साइड लेके जाता हूं, यानी कि x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस y स्क्वायर, और ये प्लस का x हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है x और y के अंदर लोएस्ट डिग्री की टर्म दोनों हो, तो फिर हमें क्या करना है, तो हम मान के चलेंगे लेट y इज इक्वल टू, मैंने आपको एक्सपेंशन वाली जो स्टेटमेंट थी वो बताई थी, तो क्या आई थी हमारे पास y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आर एक्स की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो हम y की जगह पर ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे इसके अंदर, तो x स्क्वायर को एज इज रखेंगे प्लस, अगर मैं 2x तो एज इज, y की जगह पर रख देंगे px plus 2x square by 2 factorial plus rx की पावर 3 by 3 factorial, ऐसे ये एज इज रहेगा हमारे पास, प्लस y की जगह पर ये वैल्यू फिर पुट करेंगे तो px plus 2x square divided by 2 factorial rx की पावर 3 by 3 factorial, ऐसे ही इसकी पावर जो है 2 आ जाएगी, प्लस x हमारे पास एज इज माइनस y की जगह पर फिर हम लिख देंगे पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस आर एक्स की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल और ये हमारे पास इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब देखो अगर मैं इसमें से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 2px की पावर 2 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो qx की पावर 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आर एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बच जाएगा, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको
ये x को लिख लेते हैं हम प्लस x माइनस, इसको अंदर लेके जाएंगे माइनस को, तो माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू एक्स डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल प्लस आर एक्स की पावर थ्री वाई माइनस का जगह ये भी थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको मैं एच लिख लेता हूँ पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल प्लस आर एक्स की पावर थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। इसकी पावर जो है टू है हमारे पास इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अगर हमारे पास x की, अब यहां भी हम ये देखेंगे कि x की जो है हाईएस्ट पावर क्या है। अगर x की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है या 1 है, तो अगर हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 1 है तो हम क्या करें, मैं सभी जो जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का मेथड बता रहा हूं कि अगर हमारे पास x की जो लोएस्ट डिग्री की टर्म है उनको एक बार जीरो के इक्वल लेके चलेंगे और फिर उससे जो है जैसे इसकी x की पावर 1 है, अब की बार क्या करेंगे इसको जीरो के इक्वल ले लेंगे यानी कि x माइनस पी एक्स, यानी कि x का जो कोफिशियंट होगा उसको जीरो के इक्वल ले लेंगे और x की पावर 2 के कोफिशियंट को जीरो के इक्वल ले लेंगे, x की पावर 3 के कोफिशियंट को जीरो के इक्वल ले लेंगे। यहां से हमें पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और वो पी क्यू की वैल्यू मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, अगर हमारे पास 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई क्यू है तो हम रा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो P और Q की वैल्यू आने के बाद मैं इसके अंदर उसको पुट कर देता हूं तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। अब P की वैल्यू ये भी आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास x की पावर 1 नहीं है, x की पावर 1 के अंदर स्टेटमेंट नहीं है तो क्या करेंगे, फिर x की पावर 2 के कोफिशियंट को 0 के इक्वल रखेंगे, x की पावर 3 के कोफिशियंट को 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास x की पावर 1 है तो एक बार तो हम x की पावर 1 है तो उसके कोफिशियंट को 0 के इक्वल लेके चलेंगे, फिर x की पावर 2 को देखेंगे तो x की पावर 2 जैसे हमारे पास इसके अंदर ये है, यहाँ भी है हमारे पास, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी आ जाएगी। तो मैं इनको एक साथ लिख लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 2 पी एक्स स्क्वायर और फिर हमारे पास ये है माइनस का क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा प्लस का पी एक्स की पावर 2 पी स्क्वायर एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से x को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस का p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि x के कोफिशियंट को लेके चलना था हमें, तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अगर यहाँ भी मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो 1 प्लस 2 पी माइनस क्यू बाई 2 और प्लस का पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू हमारे पास 1 है तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ से q की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो 1 प्लस 2 यहाँ p की वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस क्यू बाई 2 प्लस पी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 4, 4 को मैं साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का क्यू बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल क्यू इज इक्वल टू 8, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 8 है। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर पुट कर देता हूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या आ जाएगी 1 प्लस पी स्क्वायर। अब पी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसकी पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई क्योंकि वैल्यू क्या है 8, तो मैं 8 रख देता हूं तो 2 की पावर 3 बाई 2। अब 3 बाई 2 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 उसकी पावर 1 बाई 2 डिवाइड बाई 8, ये कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 8 की पावर 1 बाई 2 या फिर रूट भी लिख सकते हो डिवाइड बाई 8। अगर 8 की पावर 1 यहाँ पे है और 1 बाई 2 ऊपर है तो मैं 1 बाई 2 को कैंसिल करके 1 बाई 2 लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 8 जो है रूट में आ जाएगा। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और रूट में हमारे पास 2 बच जाएगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो है वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें न्यूटन मेथड से कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो हम इस मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, पता चल गया। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको ये दो मेथड दे रखे थे, मैंने आपको दोनों मेथड से जो है क्वेश्चन करवा के दिखा दिए हैं कि अगर हमारे पास एक्सपेंशन से सोल्व करना है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे या फिर न्यूटन मेथड से सोल्व करना है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके जो बाकी क्वेश्चन है या नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करवाऊँगा, ठीक है, थैंक यू।